नमस्कार, मैं हूं नाजिया, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अफगानिस्तान में सत्ता में आए तालिबान की आमदनी का सबसे बड़ा हथियार है ड्रग का कारोबार। इसी कारोबार के जरिए तालिबान का काला कानून चलता है और उसके नेता अपने लड़ाकों पर कब्जा करके रखते हैं। और सत्ता में आने के बाद से ही तालिबानियों ने इसी ड्रग की मदद से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश शुरू कर दी है। क्या है ये साजिश, आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। तालिबान भारत में 6 रूटों के जरिए अपना ड्रग का कारोबार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उधर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसके खाली बैठे लड़ाकों को भारत भेजने की साजिश कर रहा है। इसके साथ ही बड़ा खुलासा ये भी है कि पिछले महीने दिल्ली में पकड़ी गई 2500 करोड़ रुपए की हेरोइन के पीछे अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के ही लोग थे। ड्रग का ये कारोबार पहले चोरी छुपे होता था, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेना इस बात का ख्याल रखती थी कि उसके रूटों के जरिए ड्रग के कारोबार को बढ़ावा ना मिल सके। लेकिन अब खुद तालिबान अफगानिस्तान का खुदा बन बैठा है और US आर्मी भी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए तालिबान का बड़े पैमाने पर ड्रग को बेचने का प्लान है। तालिबान का आला कमान ये मानता है कि भारत उसके लिए नार्को टेररिज्म का एक बड़ा बाजार है, जहां से वो अपनी कमाई बढ़ाने के साथ ही दूसरे देशों पाकिस्तान और चीन से भी अपना हित साध सकता है। लिहाजा तालिबान का नया ड्रग रूट प्लान बना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को अपने रूटों के जरिए भारत में ड्रग्स भेजने के पहल का इजहार भी कर चुकी है। इसके पीछे पाक की नापाक सोच है कि जब ड्रग्स जाएगा तो उसका मुनाफा उसे भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो आतंक के कामों में कर सकेगा। लिहाजा उसने अपने रूटों के जरिए ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने के लिए कहा है और तालिबान आला कमान को ISI का ये प्लान पसंद भी आ गया है। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होते ही तालिबानियों ने भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गंदी सोच रखने वाला पाकिस्तान पैसे कमाने का लालच भी दिखा रहा है, लेकिन इन कट्टरपंथियों को जल्द ही भारत जवाब देगा और इनको आड़े हाथों पकड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।